Hello students, in this video, I am going to explain acculturation and enculturation topic of unit communication in a very easy way. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें एंड बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। Acculturation. It is simply the process of adopting the cultural traits of another group. Also, it is the process of learning another's culture. For example, अगर एक इंडियन अमेरिका में जाकर अमेरिका का कल्चर सीखे तो इसे कहेंगे एक्कल्चरेशन। ऑल्सो व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, ये एक प्रोवर्ब है। इसका मतलब अगर आप रोम में हो तो वैसा ही बिहेव करो जैसा रोमन्स करते हैं। आज हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रहे हैं, ये भी एक्कल्चरेशन का ही एग्जाम्पल है। और भी सिंपली अगर कहूँ तो अगर एक स्टेट के लोग किसी और स्टेट का कल्चर सीख रहे हैं तो इसे भी कहेंगे एक्कल्चरेशन। I think it is clear to all of you. Next बात कर लेते हैं जॉन बेरी के मॉडल ऑफ एक्कल्चरेशन की। इस मॉडल में जॉन बेरी ने 4 टाइप्स ऑफ एक्कल्चरेशन के बारे में बताया है। फर्स्ट टाइप है एसिमिलेशन। इसका मतलब है कि अगर एक पर्सन दूसरी कंट्री या रीजन में गया है तो उस कंट्री या रीजन के कल्चर को अडॉप्ट कर लेना, उसमें मिक्स हो जाना। जैसे कि अगर एक पर्सन अमेरिका गया है तो कंप्लीटली अमेरिकन्स की तरह बिहेव करना, इसे कहते हैं एसिमिलेशन। सेकेंड टाइप है इंटीग्रेशन। इसका मतलब है अगर एक पर्सन अमेरिका गया है तो वो दोनों कल्चर्स का यूज़ करता है, अमेरिकन कल्चर का भी और इंडियन कल्चर का भी। आई थिंक इट इज़ क्लियर। थर्ड टाइप है सेपरेशन। इसका मतलब है कि अगर एक पर्सन अमेरिका गया है तो वो अमेरिकन कल्चर को बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करता, वो इंडियन कल्चर को ही यूज़ करता है। फोर्थ टाइप है मार्जिनलाइजेशन। इस टाइप में वो लोग आते हैं जो ना तो अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट कर पाते हैं और ना ही इंडियन कल्चर को सही ढंग से अडॉप्ट कर पाते हैं। इस टाइप के लोग हमेशा कंफ्यूज सिचुएशन में रहते हैं। आई थिंक ऑल द 4 टाइप्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये 4 टाइप्स MCQs बनकर भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से समझ लेना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एनकल्चरेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आवर ओन कल्चर। एक मदर अपने न्यू बॉर्न बेबी को अपने रीजन का कल्चर सिखाती है। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम अपने खुद के रीजन का कल्चर सीख रहे हैं। जैसे कि हरियाणा के लोग हरियाणा का कल्चर सीखें, पंजाब के लोग पंजाब का कल्चर सीखें, दिल्ली के लोग दिल्ली का, असम के लोग असम का, केरला के लोग केरला का। आई थिंक इट इज़ क्लियर। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एनकल्चरेशन। आई होप बोथ द टाइप्स एक्कल्चरेशन एंड एनकल्चरेशन आर क्लियर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इन दोनों टॉपिक्स में तो आप नीचे कमेंट कर दें, आई विल रिप्लाई टू इट। ओके, Okay, so thanks for watching the video. May you all have a bright, growing and safe future.